हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू गाइस? व्हाट्स अप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आपको सबको पता कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमने 2022 की शुरुआत इसी से की है। 2020 की जो स्टार्टिंग है वो हम लोग इसी से कर रहे हैं, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? प्लीज आप मुझे बताओ, एक बार कंफर्म करो, क्या मेरा बच्चा पार्टी मुझे देख पा रहा है? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देखिए कितने बच्चे हैं यहाँ पर, कितने बच्चे हैं जो सीरियसली अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और पढ़ना चाहते हैं। जरा देखें, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हाउ आर यू बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? इज एवरीथिंग फाइन? केम छो मजा मा, केम छो मजा मा, क्या हाल चाल? ब्रिलियंट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। चलो तो आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1 है। ये किन को देखना चाहिए? सबसे पहले तो 2022 के बच्चे जो कि अभी 11th क्लास में है, उनको तो देखना ही चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के बिना तो केमिस्ट्री समझ में आएगा नहीं। लेकिन 2021 के बच्चों को भी देखना चाहिए। क्यों? 2021 में जो एग्जाम दे रहे हैं, देखो एक बात समझ लो कि केमिस्ट्री बिना केमिकल बॉन्डिंग के कुछ भी नहीं है। तो वाकई में अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको अच्छे से समझ लेना। आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। लेक्चर नंबर 1 है ये। लेक्चर नंबर 0 में हमने बेसिक सीखे थे, अब लेक्चर नंबर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग के 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने बच्चे अभी जुड़ जाते हैं फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बच्चों का वेट करेंगे ताकि बच्चे आ जाएं ऑनलाइन लाइव। मेरा नाम है ए स्क्वेयर, आपका प्यारा अरविंद अरोरा, और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े नीट चैनल वेदांतु नीट मेडिजी चैनल पे, और वेदांतु के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेडिजी चैनल पे। चलिए बच्चा लोग, बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। और आपकी जितनी भी आज की स्लाइड प्रिपेयर की है वो गौतम ने की है, सो थैंक यू सो मच गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 और 2022 का बैच हमारे वेदांतों के जो पेड प्लेटफॉर्म है उसमें भी शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं स्टार्ट किया है तो आप लोग हमारे क्या ले सकते हैं, नीट का जो प्रो सब्सक्रिप्शन है बेसिकली, वो आप अभी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 5000 आवर की क्लासेस, 5000 आवर्स की क्लासेस, 20 से ज्यादा टीचर्स, 5 से ज्यादा सालों का उन्हें एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन, और भी बहुत कुछ। और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, फुल लाइव एक्सेस मिलेगा आपको क्लासेस का। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वे में आपको पढ़ाया जाएगा, मास्टर कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, बेस्ट टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। सो इन दैट केस अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मंथली एक्चुअली फीस है उसकी 4000, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से फीस घट जाएगी 3600, 6 मंथ के हिसाब से 3200, और 12 महीने के हिसाब से तो 2800 पर मंथ। Yes, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो 2800 पर मंथ ही आपका फीस रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाओ और ज्वाइन करो। अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो ए प्रो, ये कूपन कोड यूज करना मत भूलना, ए प्रो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ए प्रो कूपन कोड है, फटाफट से जाओ और ज्वाइन कर लो। मंथन बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी टॉप इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज है जो वेदांतों के साथ जुड़ चुकी हैं, तो ये सारी फैकल्टीज आप लोगों को बैच वाइज पढ़ाएंगी। ए प्रो कूपन कोड यहां पर भी है जिसमें 20% आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो यू हैव अ गोल्डन चांस। आज के सेशन की डिटेल है, सुबह 2 बायोलॉजी के सेशन हुए थे, बॉटनी बायोलॉजी जियोलॉजी की जो टीचर है वो जल्द हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा फिजिक्स के जो सचिन सर हैं उन्होंने 2 लेक्चर ले लिए हैं, और अब मेरी बारी है केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 0 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का आज, है ना? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। कैसा है मेरा बच्चा पार्टी? चलो नाम लेते हैं, कितने बच्चे आ चुके हैं जरा देखें। हिमांशु, साबिया, वर्षा, हिमांशु, आरसीबी, रागिनी, कुमारी, और कौन है? लेट्स मूव ऑन, यस वी आर मूविंग ऑन। गिरीश, साय, उसके बाद स्पूकी, दैट्स रियली गुड नेम, आरसीपी, वर्षा, चलिए रिया, सिंह, शेखर, हर्ष, तुहिन, अमेजिंग, तुहिन, तुहिन नाम तो सुना हुआ है, तुतुर तुतुर तुहिन के साथ वो वाला क्या, मनीषा, शरीफा, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए तो चलिए बच्चा पार्टी फटाफट से केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे जरा समझिए। केमिकल बॉन्डिंग में हमें समझने की जरूरत है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन की पहले दिमाग में किसके आई थी, क्या अप्रोच थी बॉन्ड की फॉर्मेशन की,
हम लोग ये क्यों सोचे कि दो एटम अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था वो हमें समझने की जरूरत है। और वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली किसने दिया था? कोसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। वो अप्रोच सबसे पहले कोसेल लुईस ने दी थी। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने एक अप्रोच दी, बताया कि भैया इस वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। तो वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केमिकल बॉन्ड बनने की वजह क्या है, वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड केमिकल बॉन्ड, क्यों केमिकल बॉन्ड बनते हैं, जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो उनका अप्रोच क्या कहता था? देखो, उनका अप्रोच ये कहता था कि कोई भी एटम है, जैसे कि अपन ने सबसे पहले सोडियम ले लिया, तो सोडियम का ये तो हमें पहले से ही पता था कि भैया कोई भी एटम होता है उसके सेंटर में हम किसको रखते हैं? न्यूक्लियाई को। ये न्यूक्लियाई है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, तो ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली वो किसको डिवोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक न्यूक्लियाई है और बाकी उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स में से भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। यह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, है ना। अब मजे की बात, कोसेल लुईस एक्चुअली क्या कहता है कि किसी भी एटम में, ध्यान से समझना, किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव कार्नल। तो यहां पर टर्म्स बदल जाएंगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियाई होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है बेसिकली, उसको क्या कहा जाता है? कार्नल कहा जाता है। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड कार्नल। और ये जो डॉट आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं बेसिकली उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन। अगर अपन सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया था, 1s2, उसके बाद 2s2, और उसके बाद 2p6 एंड उसके बाद 3s1, ऐसे ही भरा जाता है। अब आप ध्यान से देखो भाई, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो कहां दिखाई दे रहे होंगे? ये रहा एक और ये रहा दो, ये दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये पहला शेल है। सबको समझ में आ गया? दिस इज द फर्स्ट शेल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। दूसरे शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 6 और 2 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक, और यही आपका वैलेंस शेल है और यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा बेसिकली, बॉन्ड किसी भी तरह का हो सकता है बट वो सिर्फ वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली जितने भी होंगे, अभी इस कंडीशन में कितने दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। अब न्यूक्लियस को वो कार्नल बोल रहा है और दूसरा जो डॉट से बेसिकली उनको वो इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है। अब उसने एक और बात बोली कि दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच क्यों करते हैं, रिकॉल करते हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस किस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? अगर दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें कौन एक दूसरे को खींच रहा होगा? तो पहले एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स यहां लग रहा है। और जो पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो यहां पर ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दो एटम के बीच में, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देने लगता है? केमिकल बॉन्ड। जब अट्रैक्शन बॉन्ड रिपल्शन बॉन्ड से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वहां पर अट्रैक्शन की वजह से केमिकल बॉन्ड बनेगा। रिपल्शन भी होता है, आपको पता है कि दो, ये पहले एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वहां पर रिपल्शन भी होता है। पहले एटम का न्यूक्लियस है जो दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, वहां पर रिपल्शन फोर्स भी है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह के फोर्स है। जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा होता है तो दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हुए पास आ जाते हैं। ये इसके पीछे का थ्योरी है। वो ये कहता था, कोसेल लुईस थ्योरी कहती थी कि ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होता है, जो कि एक न्यूक्लियाई, एक एटम के न्यूक्लियाई और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से होता है। सो इसको बोलते हैं कोसेल लुईस थ्योरी। और बेसिकली कोसेल लुईस थ्योरी किसने दी थी, ये रहे आपके सामने, गिलबर्ट एंड लुईस ने कोसेल लुईस थ्योरी दी थी। और उन्होंने बहुत सिंपली एक बात बोली थी, दी एटम अचीव्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय फॉर्मिंग बॉन्ड। उन्होंने क्या कहा? कोसेल लुईस ने यह कहा कि कोई भी एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। पर सवाल यह है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आखिर होता क्या है, ये किस चिड़िया के पर है, ये क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्या है?
बट उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि जरा आप ध्यान से देखिए, देयर इज एन एग्जांपल। यहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए दो एटम पास आते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कॉसल लुईस कहता है कि भैया अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई दो एटम बनाना चाहते हैं तो वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल यह कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? What do you mean by stable electronic configuration? तो जितने भी आपकी noble gases हैं, उन सब का पूरी periodic table में stable electronic configuration माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये noble gases हैं, ये किसी के साथ bond नहीं बनाती, ये inert हैं। और अगर कोई gas inert हो, किसी के साथ bond ना बनाना चाह रही हो, इसका मतलब क्या हुआ? वो stable है। आप मेरी बात सोचो कि हर इंसान दूसरे इंसान से तभी बात करता है जब उसको कोई मतलब हो। जिस इंसान को कोई मतलब ही ना हो वो सामने वाले से क्यों बात करेगा? तो बेसिकली देयर मस्ट बी अ नीड। बट नोबेल गैसेस को कोई नीड नहीं होती। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा होता है, इसलिए वो किसी से बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते। जनरली एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है नोबेल गैसेस, और हर कोई अपनी नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा बनना चाहता है। ध्यान से समझिए, अपनी नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा हर कोई बनना चाहता है। हर कोई अपनी नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा बनना चाहता है। याद कर लो, मैं कैसे बनना चाहूंगा? मेरे जैसा सर्किल होगा। मेरे सर्किल में कौन टॉप है? वाह, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। तो जैसा सर्किल होता है इंसान वैसा बनना चाहता है। अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा हर कोई बनना चाहता है, उसके जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है, इसीलिए वो बॉन्ड बनाता है। समझ में आ गया? जैसे कि हाइड्रोजन, वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है। समझ में आ गया? लिथियम, वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम के सबसे पास गैस कौन सी है? हीलियम। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, तो वो कैसा बनना चाहेगा? नियॉन के जैसे, क्योंकि फ्लोरीन के जस्ट पास में कौन है? नियॉन। अगर मैं बोलूं क्लोरीन कैसा बनना चाहता है? ऑर्गन के जैसा, क्योंकि ऑर्गन उसके सबसे पास है। आ गया समझ में? तो हर कोई अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए अपने नियरेस्ट नोबेल के गैस के जैसा बनना चाहता है, इसीलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। लुईस का थ्योरी यही था। सबको समझ में आया कि लुईस का थ्योरी क्या था? अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं आप लोगों को लुईस के थ्योरी के बाद, लुईस ने इस चीज को बताने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए एटम्स के। उसने बोला देखो, हर कोई एटम चाहेगा कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। सही बात है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले या फिर वो नोबेल गैस के जैसा बन जाए। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं किसको दिखाने के तरीके क्या है। लुईस ने उसको दिखाने के तरीके बताए और दैट इज अमेजिंग। उसने कहा कि देखो, अपन सबसे पहले लुईस के सिंबल्स चेक करते हैं, हर एक एटम के सिंबल चेक करते हैं, उसके बाद वो किस तरह से बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, हम उन सिंबल के थ्रू समझेंगे। समझ में आ रहा है? हम उन सिंबल्स के थ्रू समझेंगे। तो चलिए लुईस के मैं आप लोगों को सिंबल्स बताता हूं कि कैसे सिंबल्स होते हैं लुईस के। सबसे पहले हाइड्रोजन। अगर मान लो कि हाइड्रोजन का लुईस सिंबल बनाना है, तो आपको सबको पता है लुईस सिंबल में आप लोग याद रखिएगा, वी ओनली हैव टू टेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लुईस सिंबल को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही शो करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही लुईस सिंबल में शो होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। तो मैं हाइड्रोजन के पास एक डॉट दिखा दूंगा, तो ये हाइड्रोजन का लुईस सिंबल हो गया। इज इट हार्ड? क्या इसके लिए आपको शक्तिमान के जैसे या सुपरमैन के जैसे नीली पैंट के ऊपर लाल चड्डी पहननी पड़ेगी? ना बाबा ना, आपको पहनने की जरूरत नहीं है। दैट्स वेरी इजी। आपको लुईस सिंबल बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे हाइड्रोजन का लुईस सिंबल बनाना है तो क्या करना है। हाइड्रोजन का लुईस सिंबल बनाने के लिए मैं आप एक सर्किल में H लिखूंगा, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और साथ में एक डॉट लगा दूंगा, बस यहां ये लुईस सिंबल खत्म हो गया। अच्छा, मुझे हीलियम का बनाना है तो मैं हीलियम का बनाना चाहूं तो हाइड्रोजन के बाद चलो लिथियम का चेक करते हैं। लिथियम, हीलियम के ऊपर ऑक्टेट रूल लगाने का कोई सेंस नहीं है, ड्यूप्लेट रूल लगाने का सेंस नहीं है, क्योंकि वो नोबेल गैसेस है, वो रिएक्ट नहीं करती। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे ही आता है लिथियम, अगर आपको पता हो तो, लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मात्र एक। तो इसका मतलब लिथियम में भी डॉट कितने दिखाने पड़ेंगे? मात्र एक। सबको समझ में आ गया? आपको याद रखना है, लुईस सिंबल बनाने के लिए वी हैव टू मेक ओनली
we have to show only one, only valence electrons. Lithium के पास valence electron कितने होते हैं? One. और total electron कितने होते हैं? तीन. अगर आप देखोगे तो lithium को कैसे लिखा जाता है? Lithium को लिखा जाता है 1s2 and 2s1. तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें valence shell से मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही electron है. समझ में आया? अगर हम लोग यहां पर बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो. वैलेंस मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो. बेरिलियम के बाद बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे? तीन. बोरॉन के बाद करेंगे बात हम लोग कार्बन की, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? चार. तो उसमें कितने डॉट दिखाओगे? चार. नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांच. तो कितने आप डॉट दिखाओगे? पांच. नाइट्रोजन के पास आपने पांच डॉट दिखाए, जरा चेक करो, एक दो तीन चार पांच. समझ में आया? अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? छह. याद कर लो, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने डॉट दिखाओगे? छह. जरा चेक कर लो, छह डॉट दिखाए आपने. ये दो हो गए, है ना, ये दो चार हो गए, और ये पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया. फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन में आप कितने डॉट दिखाओगे? सात. क्योंकि फ्लोरीन के पास कितने, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? फ्लोरीन के पास टोटल सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने फ्लोरीन के पास टोटल सात डॉट दिखाए. अगर मान लो किसी को ये समझ में नहीं आया, तो इन दैट केस आप लोग क्या करो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइन होता है. उसको कैसे लिखोगे आप लोग बताओ मुझे. 1s2, उसके बाद क्या लिखोगे? 2s2, एंड फिर क्या लिखोगे? 2p5. हो गया ना? नो. अब आप आउटर मोस्ट शेल देखो, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है, जिसको वैलेंस शेल भी कहा जाता है. ठीक है, अब अगर ये वैलेंस शेल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये दो और ये पांच. टोटल कितने हो गए? सात. तो हमें फ्लोरीन के केस में कितने दिखाने पड़ेंगे? सात. सबको समझ में आया? अमेजिंग. और इसी तरह से अगर हम लोग यहां बात करें, किसकी बात करेंगे? नियॉन. वैसे हीलियम और नियॉन का दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हीलियम और नियॉन बेसिकली क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते. लेकिन फिर भी हीलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नियॉन के पास टोटल आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. नियॉन के पास टोटल आठ और हीलियम के पास दो होते हैं. चाहे तो आप इसको बना सकते हो, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आप याद कर लो, बट ये बॉन्ड वगैरह तो बनाते नहीं है, तो लुईस के डॉट स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए, बाकी बॉन्ड वगैरह तो नहीं बनाते, है ना. तो ये जितने भी डॉट्स आपको दिखाई दिए हैं, जितने भी डॉट्स आपने देखे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आप लोग एक बात ध्यान रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिग्निफिकेंस क्या है, जरा आप उसको चेक कर लेना. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जरा उसको समझ लो. द नंबर ऑफ डॉट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड. जनरली ऐसा होता है कि जितने डॉट हैं उस हिसाब से वो बॉन्ड बनाते हैं, उस हिसाब से वो बॉन्ड बनाते हैं. मैक्सिमम बॉन्ड वो उतने ही बना सकते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है. मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो सिग्निफिकेंस लिखा है ना, वो हर जगह काम नहीं आता, वो सिर्फ कार्बन तक आपको काम आएगा. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है वो आपको सिर्फ कार्बन तक काम आएगा. हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, लिथियम एक बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम दो बॉन्ड बना सकता है, बोरोन तीन बना सकता है, कार्बन चार बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन कभी पांच बॉन्ड नहीं बनाता है. ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है वो सिर्फ कार्बन तक है, कि जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वो बॉन्ड बनाता है. फाइन. हाँ, ये कह सकते हो कि उतने वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. समझ में आ गया? ये प्रॉपर लाइन है, ये सिग्निफिकेंट जो लिखा हुआ वो सिर्फ कार्बन तक काम करेगा. इज इट क्लियर? हाँ, उतने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है, लेकिन वो चीज भी प्रॉपरली ऑक्सीजन के केस में या फ्लोरीन के केस में गलत हो जाती है. तो यहां पर हर जगह एक्सेप्शन है. कोई भी सिग्निफिकेंट चीज लिखी हुई है तो उसमें आपको एक्सेप्शन मिलेगा. जो नीचे चीज लिखी हुई है वो सिर्फ कार्बन तक काम करेगी. नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है. वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि उनको एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए. तो प्रॉपर वे से देखें तो वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उसे, उस हिसाब से वो बॉन्ड बनाता है. तो आपकी समझदारी यहां पे बहुत काम करेगी. जैसे नियॉन और हीलियम को कोई जरूरत नहीं है अपना, उनका ऑक्टेट और डुप्लेट ऑलरेडी पूरा है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती. सो इस तरह से आप लोग अगर दिमाग लगाओगे, और इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, हर एक लाइन में आप कितने प्रैक्टिस किए हो उससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में आपकी समझ कितनी है केमिकल बॉन्डिंग को लेके.
समझ में आया? चलिए अब हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन को जरा चेक करते हैं। कोसल का जो थ्योरी है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि हर कोई अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। किसके जैसा बनना चाहता है? नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन टू मेक देयर सेल्फ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूं अच्छे तरीके से, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अगर आपसे बोलूं कि आप बताइए कि यहां पर, चलो अपन नियोन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको सबको पता है कि नियोन एक नोबल गैस है। आपको सबको पता है कि नियोन एक नोबल गैस है जिसका जिसमें नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। अब मैं ना फ्लोरीन ले लेता हूं, आप लोग मुझे बताइए कि फ्लोरीन के पास, जरा ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास अभी आप काउंट करके आए हो टोटल कितने होते हैं? 7। जानते हो, होते कि नहीं होते हैं? यस, ये 7 होते हैं इसके पास। तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि नियोन के पास कितने होते हैं? 8। सबको समझ में आ गया? तो बेसिकली फ्लोरीन के सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी है? नियोन। तो वो उसके जैसा बनना चाहेगा। अब उसके जैसा बनना चाहेगा तो 7 से 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, उसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब आप जरा समझिए, यही तो ऊपर लिखा है, वो यही कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएगा। यहां पर फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तब जाके वो नियोन के जैसा दिखने लगेगा, नियोन के जैसा उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने लगेगा। समझ में आ गया? अच्छा, मैं बात करता हूं मान लो सोडियम की। तो सोडियम के पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8 एंड देन 1। Yes, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब जरा सोचिए कि अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसके लिए आसान क्या होगा? इसके लिए आसान ये होगा कि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो नियोन के जैसा दिखने लगेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो यहां पर सोडियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट होंगे उन्हें तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा ताकि वो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। आया सबको समझ में? एक बार और समझा देता हूं, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो मैं आपको पिक्टोरियली समझाता हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, सो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन दैट केस इनके पास टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो कैसे बन जाएंगे? नियोन और ऑर्गन के जैसे। फ्लोरीन तो बन जाएगा नियोन के जैसे और क्लोरीन बन जाएगा ऑर्गन के जैसे। आया समझ में? इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कैसे बन जाते हैं? स्टेबल नोबल गैसेस के जैसे बन जाते हैं। और ऐसा करने पर उन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, उन्होंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बना लिया। ये इसकी खास बात है। सो इसीलिए कहते हैं कि कोसल ने काफी चीजें सही बताई थी जो कि बहुत ही फैंटास्टिक थी, है ना, जिससे केमिकल बॉन्डिंग की हमारी समझ बढ़ने लगती है। तो फ्लोरीन नियोन के जैसा हुआ इलेक्ट्रॉन को गेन करके, क्लोरीन ऑर्गन के जैसा हुआ इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और उसके बाद उन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब आप ऐसी चीज में अब अपन चेक करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। आपको पता है कि सोडियम के पास, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है? 2, 8, 1। यस, ऐसा ही होता है। पोटेशियम का कैसा होता है? पोटेशियम का ऐसा होता है 2, 8, ठीक है, एंड देन 8 एंड देन 1, 2, 8, 8, 1। तो इन दैट केस अगर सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और पोटेशियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो कैसा होने लग जाएगा? पोटेशियम ऑर्गन के जैसा हो जाएगा, सोडियम नियॉन के जैसा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो पोटेशियम ऑर्गन के जैसा हो जाएगा और जो सोडियम है वो नियॉन के जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है।
इस तरह से वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकते हैं और स्टेबल बना सकते हैं अपने आप को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मतलब निकलता. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलो मैं आप लोगों को यहां पर थोड़े से फॉर्मेशन के रूल बता देता हूं जिसको आपको ध्यान से समझना है. द फॉर्मेशन ऑफ आयन कैन बी पिक्चर्ड एज फॉलो. कैसे दिखेंगे वो? सोडियम बेसिकली कैसा हो जाएगा? Na+. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ श्रिंक हो जाएगा. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका साइज छोटा हो जाता है. तो सोडियम एटम जो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा अपना ऑक्टेट पूरा करते हुए. जरा आप देखो, पहले ये सोडियम एटम था जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281. फाइनली वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 28. इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. इन दैट केस वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया. समझ में आया? ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया. अब इसी तरह से क्लोरीन की बात करो. क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन सबसे पहले तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कैसा था, 2, 8, 7. ठीक है, 2, 8, 7. ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था. ठीक है, अब इसने क्या किया, 2, 8, 7 के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया. सो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl- में. ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया. जरा आप चेक करो, जो सोडियम था वो Na+ में कन्वर्ट हो गया और जो क्लोरीन था वो Cl- में कन्वर्ट हो गया. समझ में आ गया? अब एक आपके पास Na+ है, एक आपके पास Cl- है. Na+ और Cl-, देखो Na+, Na ने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को. Na हो गया Na+, Cl हो गया Cl-, और प्लस और माइनस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और उसके बाद उन्होंने आपस में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली. इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से यहां पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं. मजे की बात देखो, सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 and then 8. नीचे लिख देता हूं. और क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 8, 8. इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी फायदा हो गया, उसको भी फायदा हो गया. और Na+ यहां से बन गया, ये Cl- बन गया और एक दूसरे को इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया. और अट्रैक्शन के बाद पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन के बाद दोनों एक साथ रहने लगे. इसी तरह से Na+ की फॉर्मेशन हुई. सो अगर कोई पूछे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और दोनों पास आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पास आ जाते हैं. और इस तरह से एक लैटिस की फॉर्मेशन होती है, सॉलिड की फॉर्मेशन होती है. ये तरीका होता है. कॉसेल ने इस तरह से आयनिक बॉन्ड को डिपिक्ट किया था, उसका आइडिया दिया था जो काफी बच्चों को पता है ना. अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑक्टेट रूल को थोड़ा और समझते हैं. अब जो बात उसने पहले बोली थी उसको थोड़ा सा और शुद्ध भाषा में उसने कैसे कहा, उसने कहा देखो भैया ऐसा है कि कोई भी एटम नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है. समझ में आ गया? हीलियम को छोड़ के जितनी भी नोबल गैसेस है जैसे कि नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सबके पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ, उनको ऐसा फील होने लग गया कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं बेसिकली सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब यह हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबिलिटी की कड़ी है. हमको ऐसा लगता है ना, मुकेश अंबानी बहुत पैसे वाला है और इसलिए बहुत खुश है, तो हमको लगता है कि पैसा कमाओ खुशी उसी से मिलेगी, तो हमको तो दूर से देख के ऐसा ही लगा. इसी तरह से ऑक्टेट रूल भी यही है. ऑक्टेट रूल ये कहता है कि नोबेल गैसेस क्यों किसी से बात नहीं करती, क्यों किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्या रीजन है. तो रीजन पता लगा कि हर एक नोबेल गैस के पास अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन है. हीलियम को छोड़ के सारी नोबेल गैसेस के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो किसी को मुंह नहीं लगाती, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करती, इसीलिए वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती. तो अब उन्होंने ऑक्टेट रूल निकाल दिया. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी एटम ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करता है या वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है, और ऑक्टेट को पूरा करता है और अपने आप को स्टेबल बनाता है. कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने आप के ऑक्टेट को पूरा करके नोबल गैस के जैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करता है.
समझने की कोशिश करो कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। उसने बोला नीरेस्ट नोबेल गैस के जैसा बनने के लिए। क्या खास है नीरेस्ट नोबेल गैस के पास? नीरेस्ट नोबेल गैस के पास खास बात यह है, हीलियम को छोड़ के सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा कि भैया जो कोई भी है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो क्या करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम फ्लोराइड, मैं आपको बताता हूं कैल्शियम फ्लोराइड क्या करता है। आप कैल्शियम फ्लोराइड में सबसे पहले कैल्शियम को पकड़ो। कैल्शियम को अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली वो कितना होता है, 20। तो 20 के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2। आप ध्यान से देखो, अब इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सो इसे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, तो ये लूज करेगा तो गेन कौन करेगा, गेन करेगा फ्लोरीन। एक फ्लोरीन यहां पे मंगतो की तरह बैठा है, एक फ्लोरीन यहां पे मंगतो की तरह बैठा है। क्यों? ये फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने है? आप बताओ मुझे, 7। ये फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने है? आप बताओ मुझे, 7। तो अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, खुद किस पे आ जाता है, +2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2+ का चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन किस पे आ जाएगा, -। और इस तरह से कैल्शियम +2 क्या करता है, फ्लोरीन, दो फ्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेता है और कैल्शियम फ्लोराइड आयन, कैल्शियम फ्लोराइड का ये जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है क्योंकि लूज करने से उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। फ्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं क्योंकि गेन करने से, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। दोनों इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं कैल्शियम से और कैल्शियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। आ गया सबको समझ में? तो ये सिंपल ऑक्टेट रूल है जिसे हम लोग बहुत सिंपल भाषा में कैल्शियम फ्लोराइड से समझ सकते हैं। तो कैल्शियम फ्लोराइड कैसे बनता है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इस फ्लोरीन को दे दिया, दूसरा उस फ्लोरीन को दे दिया। फ्लोरीन आता है आपस में इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, दोनों फ्लोरीन पे F- चार्ज आ जाता है और वो कैल्शियम के साथ आके जुड़ जाते हैं। क्योंकि हर कोई जिंदगी में दूसरे के साथ कब जुड़ता है, जब उसको कोई फायदा हो। तो यहां पर इन दोनों फ्लोरीन को क्या फायदा है कि कैल्शियम क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लालच दे रहा है, आजा 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 ऐसे करके बोल रहा है, आजा 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 आ, तो आके कैल्शियम फ्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेता है, है ना। अब हम जरा चेक करते हैं, इस तरह से तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं जो पहले आपने देखे। कैल्शियम फ्लोराइड जो बॉन्ड बना रहा था वो आयनिक बॉन्ड थे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। यहां पर जो एटम्स होते हैं उन दोनों को बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जरा समझिए, मान लो कि आपके पास है ना, एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कि आपके पास एक फ्लोरीन है और ये दूसरा फ्लोरीन है। पहले तो इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन था, कैल्शियम। अब कैल्शियम भी नहीं है, अब ये फ्लोरीन के पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये फ्लोरीन उसको कहता है कि तू मुझे दे दे, ये फ्लोरीन एक दूसरे को मांगते रहते हैं कि, वो कहता है तू मुझे दे दे, वो कहता है तू मुझे दे दे, तो परेशान हो जाते हैं, बोले कि मैं तुझे क्यों दूं, मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को भी जरूरत है। वो सामने वाला कहता है तो मैं तुझे क्यों दूं, तो वो एक दूसरे से साझेदारी करते हैं। वो ये कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, बंटा धार हो जाएगा, नहीं तो तेरा भी और मेरा भी अनस्टेबल मर जाएंगे, अपन दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर कर लेता है, ये फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर कर लेता है। यहां से हो गई शेयरिंग और शेयरिंग के बाद यहां पर एक बॉन्ड बना। अब ये जो शेयरिंग हुई है ना, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, दोनों फ्लोरीन ने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। बाकी इलेक्ट्रॉन इनके पास एज इट इज थे, बाकी इलेक्ट्रॉन 6-6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज थे, एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर कर लिया। आ रहा है समझ में? और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पे इस फ्लोरीन का भी हक होता है, उस पे इस फ्लोरीन का भी हक होता है। आ गया समझ में? जो बीच में आपको दिखाई दे रहे बेसिकली वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, एक, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस तरह से शेयरिंग के बाद यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, देखो कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों ही एटम को रिक्वायरमेंट हो।
दोनों देना नहीं चाहते। फ्लोरिन कहता है मैं क्यों दूं भाई, मेरे को भी जरूरत है। दूसरा फ्लोरिन कहता है मैं क्यों दूं, मेरे को भी जरूरत है। जब दोनों को ही जरूरत होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के वो साझेदारी कर लेते हैं, बोलते ना तेरी ना मेरी, आजा दोनों शेयर कर लेते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक के पास इलेक्ट्रॉन देने को हो, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन लेने की रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि एक एक देगा तो ऑक्टेट पूरा होगा, दूसरा लेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा, तो इन दैट केस आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहां पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। तो मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर समझा देता हूं कि शेयरिंग का मतलब क्या है, जरा समझिए। जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का जो तरीका है वो हम क्लोरीन में भी सीख सकते हैं। क्लोरीन क्या करते हैं भैया, एक क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 7 है, और वो कहते हैं कि भैया मैं क्यों दूं, दूसरा कहता है मैं क्यों दूं, तो वो कहते हैं एक काम कर, तू भी ऐसे मर जाएगा, मैं भी ऐसे मर जाऊंगा, चल शेयरिंग कर लेते हैं। तो वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पास आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। देखो ये अपना ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये ग्रीन वाला, ये रेड और ग्रीन का शेयर इलेक्ट्रॉन करके एक दूसरे के ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। इस तरह से क्लोरीन ये जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐसे नहीं बन रहा, उसका कारण है कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दोनों ने शेयर कर लिया, आपस में आके जुड़ गए। तो जहां पर भी बॉन्ड बन रहा है बेसिकली वहां पर देर इज अ नीड, देर इज अ रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? आप ऐसी किसी से शादी नहीं कर लोगे, आपकी भी रिक्वायरमेंट है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। समझ में आता है? आप अक्सर शादी कैसे होती है जरा सोचो, ज्यादातर शादी होती है कि भैया कुलीग से शादी कर ली, क्यों, वो भी जॉब करता है, तुम भी जॉब करते हो, चलो शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को कमा कमा के पैसे खिलाते रहेंगे और जिंदगी कट जाएगी, है ना। फिर गाना गाएंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तो रिक्वायरमेंट इज बेसिकली, नीड इज बेसिकली क्या, दी बर्थ ऑफ केमिकल बॉन्ड। समझ में आ गया? जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आपके केमिकल बॉन्ड बनते हैं। सो यहां पर बेसिकली ये मतलब निकलता है कि एक दूसरे से कोई शादी क्यों करेगा, कोई ना कोई तो रिक्वायरमेंट होगी ना। एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा है तो मतलब अच्छा चलो मेरे तो कोई, मैं सारी उम्र निकल गई होटलों में खाना खाता फिर रहा हूं, शादी कर लूंगा तो मुझे घर का खाना मिल जाएगा, है ना। तो ये शादी कर ली उसने, बाद में पता लगा कि जिसे शादी करी है उसको तो गैस जलानी नहीं आती है। समझ रहे हो? उसको तो भाई को गैस ही जलानी नहीं आती है। तो वो कहते कि फिर वो कहती है मेरे को तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, जिसमें मैं गैस तुम्हें जलाना है, पानी में रखूंगी, मैगी तुम्हें डालनी है। तो हालांकि उसने शादी ऐसे करी। तो बेसिकली यहां पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन के देने से ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड बना लेगा, देके सामने वाला लेके। लेकिन अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने का यू नो है ही नहीं, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, फिर वहां पर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वहां पर बेसिकली क्या होगा, ठीक समझ में आ गया सबको? अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे नहीं सकता तो वहां पर शेयरिंग बॉन्ड की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो यहां आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक को देना है दूसरे को लेना है तो आयनिक बॉन्ड, लेकिन दोनों ही लेना चाहते हैं देना नहीं चाहते तो शेयरिंग करके काम चला लेते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सबको समझ में आ गया? इस तरह से यहां पर आपके क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि क्लोरीन के केस में आप लोग देखिए, क्लोरीन के केस में क्या होता है, दोनों के पास साथ साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब वो दोनों क्या करते हैं, साथ साथ इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग करके अपना अपना 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। उन शेयरिंग पेयर पर दोनों का हक होता है, इस क्लोरीन का भी और उस क्लोरीन का भी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर। अब ये बात और समझ लो, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो साइड में पड़े हुए उनको क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है। तो इस तरह से 8-8 इलेक्ट्रॉन उन्होंने अपने पूरे कर लिए और शेयरिंग कर ली। अब हम चलेंगे थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड के, थोड़ा सा लुईस की जो डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते हो कोवेलेंट बॉन्ड में, उनके रूल्स को पढ़ते हैं। नाउ दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस तरह से लुईस की डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस को दिखा सकते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, जरा हम उसको भी चेक कर लेते हैं ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। तो चलो कोवेलेंट बॉन्ड के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के रूल, रूल नंबर 1। पहला रूल क्या है, अगर आप लुईस की डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाने में बनाना चाहते हो तो उसका पहला रूल है, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सबसे पहले तो कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनाए जाते हैं वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से, शेयरिंग की वजह से। अब मजे की बात, रूल नंबर टू क्या है? पहला रूल तो मैंने पहले ही बता दिया था, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग करने से। दूसरा रूल क्या है, ईच एटम शेयर्स मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन, एक एटम को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही पड़ेगा, ये दूसरा रूल है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर करेगा ही करेगा। और तीसरा क्या है, कंबाइनिंग एटम मस्ट अटेन ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन। लुईस ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद आपको ये चेक करना है, ये एंश्योर करना है कि भैया जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए क्या उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, क्या क्या उसने अपना अट्ठा अट्ठा का अट्ठाहास पूरा कर लिया है क्या। सबको समझ में आया? तो ये तीन मैंने आपको यहां पर बताए, रूल्स बताए। अब आप लोग एक और चीज जरा समझो, अगर एटम्स ने एक पेयर शेयर किया तो उन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, एक। अगर एटम ने जैसे एग्जांपल के तौर पे NH3 में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ में तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, समझ में आ गया? तो बेसिकली यहां पर तीन सिंगल बॉन्ड बनेंगे क्योंकि एटम अलग अलग है। जरा समझो, जैसे कि NH3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे बनेंगे, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पांच। तो जरा आप ध्यान से चेक करना, इसके पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबको समझ में आया? अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल, आप बताओ, तीन। तो अभी आता है एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आया अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके आया, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ये लेके आया और सिंगल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, एक। यही वो कह रहा है कि अगर एक पेयर शेयर हुआ तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, समझ में आ गया? अब एक और दूसरा हाइड्रोजन आया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस नाइट्रोजन के साथ में, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कितना सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक और हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, समझ में आ गया? इसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। सबको समझ में आया? अगर एक पेयर शेयर किया है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा उन दोनों एटम के बीच में, वी आर टॉकिंग अबाउट एटम के बीच में। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो एक एक ही बॉन्ड बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? जैसे कि यहां पर अमोनिया के केस में मैंने आपको बताया कि यहां पर ये हाइड्रोजन को जरा गौर से देखो, ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ एक ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो एक एक ही तो बॉन्ड बन रहा है, जरा आप ध्यान से चेक करो, समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से अगर दो एटम आपस में दो पेयर शेयर करते हैं तो दो बॉन्ड बनेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे CO2। आप कार्बन डाइऑक्साइड को जरा चेक करो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास आप मुझे बताओ कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह होते हैं, जरा ध्यान से चेक करना, छह होते हैं, ठीक है। और दूसरी ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, छह होते हैं, जरा आप चेक करो, छह होते हैं। अब आप मुझे बताओ इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो। इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो। और ये जो कार्बन है उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चार। सबको ही जरूरत है भाई, यहां कोई देने वाला नहीं है, सबको जरूरत है। इसका मतलब यहां पर शेयरिंग करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप जरा चेक करो, अब आप जरा ध्यान से चेक करना, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन ने यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो यहां पर कितने बॉन्ड बनते दिखाई दे रहे हैं इन दोनों आइटम के बीच में, दो। कितने बॉन्ड पेयर शेयर हुए, दो, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, दो। इसी तरह से इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, दो। सिंपल, सबको समझ में आया? बॉन्ड का क्या मतलब है, देखो अगर दो एटम के बीच में दो पेयर शेयर हो गए तो दो बॉन्ड बनेंगे, जैसे कि CO2, समझ में आ गया? एक पेयर शेयर हुआ तो एक बॉन्ड बनेगा, दो पेयर शेयर हुए तो दो बॉन्ड बनेंगे, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट्स रियली फाइन। तो CO2 में जैसे कि आपको मालूम पड़ गया कि यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। एग्जांपल एक बार फिर से देख लो, जैसे कि कार्बन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और बेसिकली यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, समझ में आ गया? तो दो पेयर शेयर हो गए यहां पर, इसका मतलब बॉन्ड भी कितने बनेंगे, दो। इसी तरह से अगर मान लो दो एटम के बीच में तीन पेयर शेयर हो रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो वहां पर बॉन्ड कितने बनेंगे, तीन, जैसे कि N2। अब आप देखो जरा ध्यान से चेक करो,
ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास आप बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? पांच, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो। यस, इस नाइट्रोजन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पांच, पांच इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप मुझे बताओ इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तीन। इस नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तीन। तो ये भाई क्या करेंगे, ये तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां पर ये तीन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं और तीन बॉन्ड बना रहे हैं, खत्म कहानी। आ रहा है समझ में? ये मतलब निकलता है इसका। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? यहां पर अगर आप देखोगे तो तीन ही पेयर शेयर हुए हैं, क्योंकि इनको तीन तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इन्होंने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या किया, बेसिकली तीन पेयर शेयर कर लिए और तीन बॉन्ड बना लिए। इस तरह से दोनों नाइट्रोजन के आठ आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जरा ध्यान से चेक करो, ये रहे तीन, ये रहे तीन, छह और दो, ये रहे आठ। क्योंकि बेसिकली ये जो बीच में छह पड़े हुए हैं, ये छह इसके भी हैं, ये छह इसके भी हैं। बॉन्ड बनाने के बाद, शेयरिंग करने के बाद, इन छह इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक है। समझ में आया? दोनों का हक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। सो फाइनली मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, नाइट्रोजन दोनों को क्या जरूरत है। दोनों को ही बेसिकली यहां पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो दोनों तीन तीन पेयर शेयर कर लेते हैं और तीन बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से तीन तीन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर यही कह रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतने ही बॉन्ड बन जाएंगे। आ गया समझ में? आ गया। एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? तीन। दूसरा भी तीन कर रहा है, तो तीन पेयर शेयर हो गए तो तीन बॉन्ड बनेंगे, बात खत्म हो जाती है यहां पे। सबको समझ में आया? वेरी गुड। अब स्टेप टू राइट दी लुईस रिप्रेजेंटेशन। किस तरह से लुईस को लिखने का तरीका क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को लिखने का तरीका क्या है, उसकी भी मैं आपको स्टेप बता देता हूं जाते जाते, ताकि हमारा सिलेबस स्पीड से खत्म हो जाए, क्योंकि वक्त हमारे पास सात ही महीनों का, जिसमें अपने को 11th और 12th दोनों कंप्लीट करनी है। तो स्टेप क्या है, जरा आप देखो लुईस के रिप्रेजेंटेशन का स्टेप, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन ये है, अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो उसका पहला स्टेप क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको? आपको क्या करना है, हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उनका समेशन करना है। जरा ध्यान से चेक करना, लुईस की डॉट स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको? आपको सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? अगर आपको लुईस की डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली सारे एटम के दिखाने पड़ेंगे। वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो और आप वो जितने भी एटम है वो आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे, एग्जांपल के तौर पे CH4। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ आप लोग मुझे कि CH4 में कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? चार। ठीक है, एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। तो चार के पास कितने होंगे? चार। तो चार हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है चार, चार प्लस चार कितना हो गया टोटल? आठ। तो आठ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। अब ये आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे दिखाओगे? या तो आप बॉन्ड पेयर के थ्रू दिखाओगे या फिर आप लोन पेयर के थ्रू भी दिखा सकते हो, लेकिन आपको लुईस की डॉट स्ट्रक्चर में दिखाने जरूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिखाओगे, जरा आप चेक करो। पहले आप कार्बन को लिख लो, कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये रे मैंने चार बना दिए, दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अब आप हाइड्रोजन को लिखो, हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने लिख दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैंने लिख दिया। इज दिस क्लियर? ये लिख दिया, लिख दिया। टोटल आठ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, बस ये आठ इलेक्ट्रॉन आपको लुईस की डॉट स्ट्रक्चर में दिखाने होते हैं। दैट्स इट। आप यहां पर बॉन्ड बना दो या फिर आप सर्किल के तौर पे भी दिखा सकते हो, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। समझ में आ गया? तो बेसिकली जब आप लुईस की डॉट स्ट्रक्चर बना रहे होते हो तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना होता है। इसको आप सर्किल से भी दिखा सकते हो, जैसे कि कार्बन के पास ये सर्किल है, सर्किल के अंदर टोटल जरा आप ध्यान से चेक करना, इधर उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ में, ये इस तरह से दिखा दो, इधर उसने शेयर किया एक और हाइड्रोजन के साथ में, ये इस तरह से दिखा दो, इधर शेयर किया एक और हाइड्रोजन के साथ में, इधर जरा चेक करो, ये हाइड्रोजन यू दिखा दो, और इधर एक और हाइड्रोजन है जिसने यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ में, ये दिखा दो। आप ऐसा भी दिखा सकते हो, मतलब ये प्रॉपर है, इसी को लुईस की डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि लुईस का डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर किन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है और किसी चीज को नहीं दिखाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर
अगर आप लोगों को लुईस का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो यू हैव टू शो ओनली एंड ओनली एंड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नथिंग एल्स, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना होता है। रूल नंबर दो, रूल नंबर दो ये है, फॉर ईच चार्ज ऑफ एन आयन, अगर किसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर आप किसी मॉलिक्यूल या स्पीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनायन, एनायन के केस में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे टोटल इलेक्ट्रॉन में, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। और कैटायन के केस में आपको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, घटा देना है, मतलब समझो। एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं CO3-2 और NH4+। अब अगर कोई आपसे कहे चलो इसका लुईस का डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चार। कार्बन के पास कितने होते हैं, चार। प्लस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास छह होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास छह होते हैं। यहां ऑक्सीजन कितनी है, तीन, तो छेतिया कितना हो गया, 18। आया समझ में, एक ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन ऑक्सीजन है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर ये माइनस का दो साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब आपको यहां पर दो ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब लुईस की डॉट स्ट्रक्चर में आपको 24 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ बॉन्ड पेयर, इन द केस ऑफ लोन पेयर। चलो मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप कार्बन बनाओ, कार्बन, कार्बन बना लिया, यस। अब यहां पर मजे की बात है, इस कार्बन के साथ आपको तीन ऑक्सीजन जोड़नी है, तीन ऑक्सीजन। तो देखो सबसे पहले एक ऑक्सीजन जो जोड़ देते हैं, कैसे, मान लो ये वाली एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल छह हैं, चार मैंने ऐसे दिखा दिए, दो मैंने यहां दिखा दिए, समझ में आ गया, दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए, जरा समझो। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, इससे यहां पर क्या हुआ, बेसिकली यहां पर ऑक्सीजन टू कार्बन, यहां पर एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहां पर चार इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं और दो, चार इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हैं ऑक्सीजन के पास, आ गया सबको समझ में, चार तो बॉन्ड बना रहे हैं और चार ऐसे ही पड़े हैं ऑक्सीजन के पास, बन गए। अब आ जाओ आप, कितने इलेक्ट्रॉन आपने शो कर दिए, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं आपको, 24 में से कितने इलेक्ट्रॉन आपने शो कर दिए, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ आप, एक ऑक्सीजन और लो, और ये एक ऑक्सीजन ले लिया, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह है ना, एक, अब छह थे उसके पास, जरा ध्यान से समझना, ये छह इलेक्ट्रॉन थे, छह में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो, ये हटा दिया, और वो कहां करो, शेयर करो कार्बन के साथ में, कर दिया शेयर। इसी तरह से कार्बन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन तो शेयर करने पड़ेंगे। ये कार्बन से मैंने यहां एक ऑक्सीजन से यहां पर इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रहा, और एक कार्बन ने दिया तो 7 हो गए, आ गया सबको समझ में। अब एक इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से मिलेगा कहीं से, वो कोई भी दे सकता है, बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, इस ऑक्सीजन पे माइनस का साइन आ गया। जरा ध्यान से समझना, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इलेक्ट्रॉन तो उसने अपना यहां पर शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि कहीं से उसे मिला होगा, इसीलिए उसके ऊपर माइनस का साइन है, आ गया समझ में। ये माइनस के साइन का मतलब क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सबको समझ में आया। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूं इसका मतलब क्या है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, मैं यहां से रब कर देता हूं इसको, देखो इरेजर पकड़ा, यहां से मैंने इसको रब कर दिया, ये हटा देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो अब ध्यान से इसको समझना, दैट्स रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं आप लोगों को, जरा आप चेक करो, इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन के साथ, ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक माइनस का साइन था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। तो अब देखो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सातवां इसने यहां शेयर कर लिया। जरा आप चेक करो भाई, एक ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, छह होते हैं, लेकिन एक अगर एक माइनस का साइन उसके ऊपर, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन में आप उसे एक ही बॉन्ड बनाना है, वो एक बॉन्ड उसने बना लिया कार्बन के साथ में, कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब आप जरा ध्यान से चेक करो, एक ही बॉन्ड बनाने से इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन में माइनस का साइन ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑलरेडी था, अब उसे सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है, इसलिए उसने सिर्फ एक ही बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया यहां पर, समझ में आ गया। अब देखो ऐसे ही एक और ऑक्सीजन होगी, वो क्या करेगी, उसके ऊपर भी माइनस का साइन है, 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास,
ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिया, सात इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया, ये लो। अब ये जो लुईस स्ट्रक्चर बनाई है, जरा आप चेक करो कि क्या इसके पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है, काउंट करते हैं। चलो तो एक ये रहा, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सोलह हो गए यहां तक, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, ये हो गया इस तरह से। तो मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखाता हूं, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने थे और ऐसे दिखाने थे कि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बना के दिखा देता हूं, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो टोटल CO3 माइनस 2 के पास 24 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसको दिखाने का तरीका क्या है, पहले आया कार्बन, उस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड किसके साथ बनाया, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लगाए होंगे तभी तो बना होगा, कार्बन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लगाए होंगे तभी तो बना होगा, आ रहा है समझ में। और अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो पीछे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यस, चार इलेक्ट्रॉन बच गए, आ गया समझ में। अब इस कार्बन ने, एक ऑक्सीजन थी यहां पर, उसके ऊपर माइनस का साइन था, इसका मतलब उसके पास सात इलेक्ट्रॉन थे, तो छह इलेक्ट्रॉन तो पड़े रह गए, ये छह इलेक्ट्रॉन पड़े रह गए, एक इलेक्ट्रॉन उसने यहां शेयर कर लिया किसके साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, ताकि उसका आठ पूरा, अट्ठा पूरा हो जाए, आठ पूरा हो जाए। तो कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उस ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, आया समझ में। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन ने ऐसा ही काम किया, उसके पास छह इलेक्ट्रॉन तो पड़े थे वैसे के वैसे, एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया और उस पर माइनस का साइन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है और माइनस का दो साइन भी है, और ये जो माइनस का दो साइन है बेसिकली वो किसके ऊपर है, वो बेसिकली है ऑक्सीजन के ऊपर। ये देखो, ये माइनस के दो साइन, ये माइनस का पहला साइन, ये माइनस का दूसरा साइन, माइनस का साइन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होता है। अब आप टोटल काउंट कर लो, यहां 24 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, काउंट करके देख लो, गारंटी देता हूं 24 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक दिस स्ट्रक्चर, आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तो मैं आपको टोटल 24 इलेक्ट्रॉन काउंट करके दिखा देता हूं, जरा आप देखो, ये रे दो, दो चार, चार आठ, उसके बाद दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस, बाईस, 24 है ना, 24 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 24 इलेक्ट्रॉन आपने दिखाए। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं। पहली ट्रिक तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो माइनस का दो साइन होता है ना, बेसिकली ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जनरली दो बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको दो बॉन्ड सामने वाले से बनाने हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का साइन हो तो उसको सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि एक माइनस का साइन ऑलरेडी है उसके पास, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है उसके पास, समझ में आया, ये ट्रिक है इसकी। अब ऐसी NH4+ को तड़ो, NH4+ को जरा हम लोग करके देखते हैं। NH4+ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, NH4+ में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जरा बताओ मुझे, पांच, हाइड्रोजन चार है तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होंगे। और ये प्लस का साइन क्या कहता है आपसे, ये प्लस का साइन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो माइनस करोगे उसको, मजे की बात है। अगर माइनस का साइन लगाओ तो जुड़ेंगे, प्लस का साइन लगाओ तो घटेंगे, तो पांच चार नौ में से एक चला गया, आठ, आपको सिर्फ आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, समझ में आ गया। ये आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको किस किस वे में दिखाने हैं, या तो बॉन्ड पेयर के वे में दिखाओगे या फिर आप इसको लोन पेयर के वे में दिखाओगे। चलो दिखाता हूं, नाइट्रोजन को सेंटर में डाल दो, डाल दिया, सबको समझ में आया। अब नाइट्रोजन को सेंटर में डालने के बाद मजे की बात यह है कि ये प्लस का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, अब उसके पास चार ही इलेक्ट्रॉन है, समझो, जब चार इलेक्ट्रॉन है तो वो चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, चार हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगी, शेयर कर लेगी, काम खत्म हो गया वहां पे, कोई भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये ऐसा है, ये देखो ऐसा है बबुआ, ये ऐसा है, ये देखो, हर एक हाइड्रोजन आएगा बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ये ऐसा, सबको समझ में आया, इज इट क्लियर। आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, और मजे की बात, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का साइन है, क्यों है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, अब चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सबको समझ में आया, इज इट क्लियर। तो ये NH4+ का मतलब क्या है, NH4+ में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का साइन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, समझ में आ गया। अब इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे,
तो मैं आप लोगों को इस तरह से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर एक्चुअली किस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ CO3 माइनस, और ये है स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ NH4 प्लस. ये तरीका है ओवरऑल जिस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. इज दिस क्लियर? यस मेरे प्यारे बच्चों. और अब तीसरे रूल की तरफ चलते हैं. रूल नंबर 3, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द एलिमेंटल सिंबल एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर आप लुईस की डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो इट्स अ रिक्वेस्ट आप सब लोगों को कि आप लोग एलिमेंटल सिंबल और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी आप लोग ले लो, काम आएगा. और चौथा चीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द टोटल इलेक्ट्रॉन्स एज अ बॉन्डिंग पेयर बिटवीन द एटम इन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बॉन्ड्स. आपको इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली वहां पर शेयर करना होता है बॉन्ड के, मतलब जितने बॉन्ड बनाने हैं उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है. वो तो मैं आपको पहले ही बना के दिखा चुका हूं. जैसे मैं आपको समझाता हूं CO2, अगर CO2 की स्ट्रक्चर बनानी कैसे बनाओगे, तो आप देखो जरा ध्यान से इसको चेक करना, ठीक है. यहां पर कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4. एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 के पास कितने हुए? 12. 12 और 4 कितने हो गए? 16. अब आपको 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं. कैसे दिखाओगे? आप सबसे पहले कार्बन को पकड़ो. कार्बन ने एक डबल बॉन्ड यहां बनाया, एक डबल बॉन्ड यहां बनाया. समझ में आ गया? ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, बॉन्ड बना लिए. सबको समझ में आया? तो ये आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गए. अब आप जरा चेक करो, यहां पर कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस ऑक्सीजन ने भी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे. तो यहां पर टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 8. फिर उसके बाद क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए. समझ में आ गया? तो इसी तरह से इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए. तो आपको क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली आपको वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों केसेस में काउंट करने होते हैं अच्छे तरीके से. सबको समझ में आया? ये तरीका होता है. और फाइनली पांचवा क्या है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन जनरली. इसमें एक्सेप्शन होते हैं, वो एक्सेप्शन मैं नहीं बता रहा हूं अभी. H2O इज एन एक्सेप्शन. अदरवाइज जिसके जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट होती है बेसिकली वो सेंट्रल एटम की तरह यहां काम करता है. ये आपको ध्यान रखना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा. अगर मैं CO3-2 का एग्जाम्पल दूं तो यहां पर कार्बन सेंट्रल एटम है. कार्बन इज अ सेंट्रल एटम. कार्बन एक सेंट्रल एटम के जैसा काम करेगा. सबको समझ में आ गया? कार्बन के इर्द गिर्द ही चल रहा है. जनरली ऐसा होता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा होता है. जैसे मैं बात करूं, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, H2O. H2O के केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यही सेंट्रल एटम होती है. लेकिन जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है. और अगर मुझे बोले कि चलो अब इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो ये देखो मैं तुरंत बना सकता हूं. क्योंकि अगर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, और अगर उसने सिंगल बॉन्ड बनाया इस तरह से तो उसके पास क्या होगा, 6-6 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे इस तरह से. ये देखो जरा, और एक एक माइनस का साइन होएगा. इतना स्पीडली आप आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आ गया सबको समझ में? ये तरीका होता है. चलो, तो फाइनली ये टोटल 5 रूल्स हैं, और एक छठा रूल हो रहा है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 4 किए हैं कि 6 किए हैं? अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. ये सिंपल से रूल्स हैं. जैसे कि हाइड्रोजन के केस में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड. इस तरह से आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए उसके हिसाब से यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. समझ में आ गया? अमेजिंग. तो अब अगली बार क्या करेंगे हम लोग, अभी काफी समय हो गया है, फाइनली अगली बार हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे. ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको कराऊंगा. प्रैक्टिस के तौर पे आप घर पे खुद से C2H6 की स्ट्रक्चर बना के देखो किस तरह से बनती है. इसी तरह से NO2- का स्ट्रक्चर बना के देखो कैसे बनता है. आप लोग मुझे बताना कि आपको बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगली बार में हम लोग ये सवाल भी करेंगे सारे के सारे, ठीक है. अभी काफी लेट हो गया है, या फिर मैं खत्म करा दूं. अगर आप लोग तैयार हो तो मैं आप लोगों को अभी खत्म कराने को रेडी हूं. जल्दी से बताओ. हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बोलो. अब मैं सिर्फ पढ़ा ही रहा था. अच्छा, समृद्धि कह रही है सर प्लीज चैट भी चेक कर लो एक बार. बेटा आ गया, क्योंकि हमें सिलेबस पूरा करने में थोड़ा सोचा, एक बार मैं थ्योरी कंप्लीट करा देता हूं. बोलो. थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू सो मच बेटा. अब बताओ, क्या हम लोग सवाल अगली बार करें या फिर आज ही करना चाहते हो? जल्दी से बताओ, क्योंकि एक अभी सेशन और बाकी है जो 9 बजे लेना था, अभी काफी लेट हो गया है.
चलो तो अब हम लोग ये जो क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ ये सारे सवाल हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। टिल देन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ अगर आप लोग वाकई में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके तो आप लोग 2021 और 22 का वेदांतों का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो 2800 रुपीज पर मंथ है, ठीक है। अगर आप देखोगे 2800 रुपीज पर मंथ है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कूपन कोड आप यूज कर सकते हो AAPRO मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, AAPRO कूपन कोड आप यूज करिए और डेफिनेटली हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना जिसको 2019 का व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला है। और वेदांतु नीट ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको 50,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो जरूर आप कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अपना चैनल अपना परिवार है और एक ऐसा परिवार है जो कि पिछले 5 सालों से लगातार नीट के एग्जाम में हर एक बच्चों को लास्ट तक मदद करते रहा है। चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, हम हमेशा आपकी मदद के लिए आगे रहे हैं। फाइनली गाइज डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज से शुरू हो रहा है लेक्चर नंबर 0। मिलते हैं लेक्चर नंबर 0 में। लव यू ऑल गाइज, लेक्चर नंबर 0, थैंक यू।